होंडाई वाले होंडाई पैलेसेड को इंडिया के अंदर कभी लॉन्च नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन कभी नहीं लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर आपको भी होंडाई पैलेसेड बहुत ही पसंद है तो मेरे पास एक ऐसी खबर है जो कि आपको नाचने पर मजबूर कर देगी। और एक मिनट, ये मैं बोल नहीं पा रहा हूं। हाँ, तो होंडा एल्गार के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ अपडेट्स आई हैं जो कि बताते हैं आपको, पूरा बने रहिए। और लाइक सब्सक्राइब तो यार बनता है, प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, क्लिक इट। हाँ, तो आप लोग अगर होंडा एल्गार का काफ़ी ऐसे बेसब्री से वेट कर रहे हो तो आपका वेट बस कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, क्योंकि ये लॉन्च होने वाली है, जिसको एक तरह से आप लोग बेबी पैलेसेड भी कह सकती हो। और होंडाई वाले पैलेसेड को इंडिया के अंदर क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि होंडाई के ऊपर इतना पैसे तो कोई नहीं खर्च करेगा इंडिया के अंदर। यहाँ पर मैक्सिमम 20 लाख रुपए भी कोई होंडाई के ऊपर दे दे तो बहुत ही बड़ी बात है। होंडाई ट्यूसन की बिटती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्राइसिंग। गाड़ी तो बहुत सही है लेकिन महंगी बहुत है। लेकिन होंडाई उसी का एक इलाज आपके लिए लाने वाले हैं, होंडाई पैलेसिड नाम का, जो कि एक तरह से यार बेबी पैलेसिड होने वाली है, जिसके अंदर दो बहुत ही पावरफुल इंजन होने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही तगड़ी पावर देंगे और आपको काफी सारा कुछ देने वाले हैं। जैसे कि अगर इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो इसका फ्रंट लुक अराउंड 90% होंडाई क्रेटा के तरह ही होने वाला है। जो नई वाली क्रेटा आती है उसी की तरह इसका फ्रंट लुक होगा, एकदम ऐसे फ्यूचरिस्टिक लुक, एकदम ऐसे स्टाइलिश कर्व एंड क्रिश एंड लाइन वगैरह हर चीज यहां पर होने वाली है स्पोर्ट डिजाइन के साथ, जो कि रोड पर चलेगी तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जैसे कि मैं लड़कियों को कर। लेकिन 90% मैंने बोला, यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजमेंट भी होगी ताकि हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क लगे कि ये तो वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ये अल्कज़ार है और क्रेटा अलग है इससे, फ्रंट वाइज एंड साइड वाइज जो व्हील्स वगैरह होंगे वो भी थोड़े डिफरेंट होंगे और थोड़े बड़े साइज के हो सकते हैं। यहाँ पर क्या पता कंपनी यहाँ पर 19 इंच दे दे, और सफारी हैरियर के अंदर आता है 19 इंच, इसके अंदर भी आना चाहिए शायद से, दे दे कंपनी खुश होकर। और बाकी अगर फीचर्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं ना भाई। एडास लेवल 2 पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल फीचर्स होंगे, 360 कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कूल एंड ग्लव बॉक्स, एयर प्यूरीफायर एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। एंड खबर में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि यहाँ पर एस कम्पेयर टू क्रेटा से 3-4 फीचर्स ज्यादा होंगे, और वो फीचर्स क्या हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे भी तो वीडियोस बनाएंगे वहां बताते हैं। तो फिर ये कुछ ऐसी गाड़ी है, और अगर इसके इंजन वगैरह की बात करें तो आप जानते ही हो जो क्रेटा के अंदर आता है वही सेम ये लोग उठाकर इसके अंदर डाल देंगे। दो इंजन इसके अंदर आने वाले हैं, एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव होगा, एंड उसकी पावर 115 एचपी होने वाली है, एंड टॉर्क 250 Nm, और जो कि 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आएगा। और अगर दूसरे इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जिसकी पावर 160 एचपी होने वाली है, एंड टॉर्क 255 Nm, और वो भी 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीटी के साथ आने वाली है। और डीसीटी का मतलब जानते हो, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गियरबॉक्स है डीसीटी। हाँ, थोड़ा हीटिंग इशू वगैरह होते हैं जाम वगैरह में, ट्रैफिक वगैरह में, बाकी उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर इसके रोकड़ की बात करें, यहाँ पर कितना रोकड़ा लगने वाला है, तो 17 लाख से स्टार्ट होगी, 21 लाख तक जाएगी एक शोरूम, तभी भी इसका टॉप वेरियंट ऑन रोड हमें 24 लाख के आसपास पड़ने वाला है, 24 लाख 50 हज़ार के आसपास पड़ेगा आई थिंक, हो सकता है ऐसा कुछ भी। कंफर्ट की बात करें तो फिर यहाँ पर कंफर्ट वगैरह भी ठीक ठाक होने वाला है जैसा कि क्रेटा के अंदर आता है। हाँ, जो थर्ड वाली सीटें होंगी वो तो वैसी होंगी जो कि अभी आती हैं, एकदम ऐसे बकवासी। अगर वहाँ पर आप बच्चों क्या, अगर आप वहाँ पर अपना पेट डॉग भी रख लो तो अभी अच्छा ही है, बच्चों की भी वहाँ पर बैठाना एकदम सजा देना होगा। हाँ, अगर बच्चे साले अगर कुछ यहाँ वहाँ की शैतानी करे तो फिर फेंक दो पीछे उठाकर। नहीं पापा, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। बेटे तू यहीं बैठेगा। पापा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। बेटे तू यहीं बैठेगा। नहीं पापा, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा। आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकती हो, एंड एक और चीज़ों की आप कर सकती हो, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक इट।